हिंद। आज हम लोग सीखेंगे, ये जो 2 HP का वाटर पंप आप देख रहे हैं, इसका जो हम कॉइल डालते हैं तो कॉइल का फिर कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है और कौन कौन सा लीड निकलता है, तो सारा कुछ जानकारी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, वैसे तो जो मोटर वाइंडिंग करता है उसको तो खुद पता रहता है कि इसका कनेक्शन कैसे निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों साहेबलाल भाई करके एक मेरा व्यूअर्स हैं जो कि हमें कमेंट किया कि सर आप एक कनेक्शन के बारे में वीडियो बना करके बतलाइए। तो दोस्तों, मैं यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बतला रहा हूं जो नया है, जिनको कनेक्शन के बारे में पता नहीं है। तो वैसे दोस्तों हाफ एचपी 1 HP 2 HP सभी का कनेक्शन एक जैसे ही होता है, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 4 यानी कि 2 पोल का ये मोटर बना हुआ है, 4 पोल का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का कनेक्शन एक ही जैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का निशान को दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि इसमें हमने 4 सेट एक तरफ से बनाए हुए हैं और 4 लच्छी एक तरफ से बनाए हुए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ नहीं, पहले आप यहाँ समझिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इस फर्मे पे आपको 1 2 3 4 लच्छी बनाते हैं, तो सबसे छोटी कॉइल ये हो गया। आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखिए, जो यहाँ से जो आप शुरुआत किए हैं तो सबसे छोटी कॉइल ये हो गया, इसका एक सिरा इधर निकल जाएगा, बाकी सब कनेक्ट हो करके ये बड़े वाले से एक निकल जाएगा। तो यानी कि छोटी वाली कॉइल आप समझ गए हैं, जो फर्स्ट में आपको 4 खाने छोड़ करके या 3 खाने छोड़ करके अंदर डलता है फर्स्ट लच्छी, तो वह दोस्तों सबसे छोटी कॉइल होता है। तो सबसे छोटी कॉइल से दोस्तों जो एक सिरा निकलेगा, जैसे कि मान के चलिए ये सबसे छोटी कॉइल से एक सिरा निकल चुका है, तो इसको हम लोग ऐसे साइड में छोड़ देंगे और इसके जस्ट बड़ी वाली कॉइल, जैसे कि ये हो गया सबसे लास्ट वाला कॉइल यानी बड़ी वाली, तो बड़ी वाली जहाँ यहाँ समझिए जो बड़ी वाली कॉइल ये हो गया, तो इसका एक सिरा निकल जाएगा, तो इसको हम इधर रखेंगे। तो सेम प्रक्रिया से दोनों तरफ सिरा निकलेंगे तो 2 सिरा निकलेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी वाली जो कॉइल होता है इसको छोड़ देना है दोनों तरफ से, और बड़ी वाली तो देखिए जी, जैसे कि छोटी वाली को हमको छोड़ना है और बड़ी वाली एक इधर से और एक इधर से जो निकल जाएगा, तो यानी कि कोना कोनी निकलेगा। अगर छोटी वाली आपका इस कोने में निकला हुआ है तो एक छोटी वाली आपका इस कोने में निकलेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ से जो बड़ी वाली कॉइल है इसका एक सिरा और इसका एक बड़ी वाली कॉइल का एक सिरा लेकर के हम ज्वाइंट करके पैक कर देंगे। बस मेरा मेन लीड 2 निकलेगा, जैसे मेन लीड मेरा 2 निकला, एक इधर से और एक इधर से, तो ये दोनों रनिंग का दोस्तों मेरा 2 मेन लीड निकल चुका है। अब एक बार और समझ लीजिए, ये 2 छोटी वाली कॉइल जो होती हैं, तो इसका एक पॉइंट सिरा और इसका एक इधर से एक छोटी वाली का सिरा को छोड़ देना है, और इधर का बड़ी वाली कॉइल का एक सिरा पकड़ना है और इधर से बड़ी वाली कॉइल का एक सिरा पकड़ना है। दोस्तों, दोनों कोना कोनी होना चाहिए। अब इस दोनों को हम ज्वाइंट करके छोड़ देंगे तो मेरा मेन लीड 2 ही बच जाता है, दोनों छोटी वाली। तो समझ लीजिए, ये मेरा सप्लाई के लिए दोनों निकल चुका है। अब दोस्तों, सेम प्रक्रिया इस स्टार्टिंग में भी होता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये छोटा वाली सिरा से एक छोटा कॉइल निकला हुआ है, लूप थोड़ा छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक इधर हम छोड़ देते हैं और इसका जो एक बड़ी वाली लूप है इसको हम इधर छोड़ देते हैं। अब दोस्तों इसको पकड़ें और दोस्तों अब इसको पकड़ें, इसमें हमने पैक ऑलरेडी PVC पेपर लगा चुके हैं, ये क्या कहते हैं स्लोविंग पाइप लगा चुके हैं। अब इस दोनों को हम ज्वाइंट करके छोड़ देंगे। तो जैसे कि चलिए हम ज्वाइंट करके भी आपको दिखलाता हूँ, छोड़ देंगे तो सिर्फ मेरा इधर से भी 2 लीड बच जाएगा, एक इधर का स्टार्टिंग का छोटी वाली कॉइल से और एक स्टार्टिंग का इधर वाली छोटी वाली कॉइल से, तो ये भी मेरा सप्लाई हो जाएगा। और आगे भी समझाते हैं, ये हमने इसको और इसको एक में कनेक्ट कर दिए हैं और ये स्लोविंग पाइप ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा कट करके हटा देंगे तो ये मेरा कनेक्शन कम्प्लीट हो गया। अब इसका एक सिरा इधर निकल गया छोटी वाली कॉइल का और एक सिरा इसका इधर निकल गया छोटी वाली कॉइल का। अब आगे क्या करना है वह भी हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं। तो अब दोस्तों, जैसे कि मेरा 2 निकल गया तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक कर देंगे, मेरा सप्लाई पॉइंट बन जाएगा और एक इधर स्टार्टिंग का ये कंडेंसर पे चले जाएगा और इधर से एक
पावर सप्लाई में चले जाएगा और एक कंडेंसर पे चले जाएगा। तो इधर से एक लीड और एक इधर से एक लीड निकल करके मेरा कंडेंसर हो गया और साथ में ही इस पर पावर भी होगा एक कंडेंसर के साथ और एक रनिंग कॉइल, दोनों पे हम सप्लाई देंगे। और इधर जो दोनों कंबाइंड हैं तो इस पर डायरेक्ट हम सप्लाई देंगे क्योंकि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मेरा एक हो जाएगा तो ये डायरेक्ट सप्लाई के लिए पिन बन जाता है। तो इसमें कंडेंसर नहीं जोड़ना है। इधर जो आप एक रनिंग में कंडेंसर जोड़िएगा तो उस पर सप्लाई और इधर एक रनिंग स्टार्टिंग का कॉइल को डायरेक्ट कंडेंसर में अटैच कर देना है, जिस तरह से आप लोग फैन में कंबाइंड करते हैं, फैन को चलाते हैं, सीलिंग फैन को, सेम उसी प्रकार से इसका कनेक्शन करना है सप्लाई के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो था और इसमें आपने कनेक्शन के बारे में सारा जानकारी मिल चुका है। अगर फिर भी ना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बारीकी से हमने पूरा समझा चुके हैं आपको। सिर्फ आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि छोटी ही छोटी कॉइल जो होता है, चाहे आपका रनिंग हो या स्टार्टिंग, इससे जो एक लच्छी कनेक्शन निकलेगा, लूप निकलेगा, इसको हमको सप्लाई पर रखना है। और इधर बड़ी वाली कॉइल जो है तो उधर से बड़ी वाली कॉइल को अटैच कर देना है, जोड़ करके आपको स्लोविंग टैप इस तरह से लगा देना है, स्लोविंग चढ़ा देना है और ये अंडरग्राउंड पैक हो जाएगा। इसको इस पर कोई सप्लाई उप्लाई नहीं देना है। इधर का सिरा और इधर का सिरा आपको कंबाइंड हो जाएगा। बड़ी से बड़ी कॉइल को आपको कनेक्ट करके उस पर स्लोविंग पैप लगा करके उसको छिपा देना है और छोटी ही छोटी कॉइल से आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों को हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक जानकारी और देहाती भाषा में जानकारी समझने को मिलता है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।